सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, नामांकन प्रारंभ, सीट सीमित है। राधा पार्वती एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, मेन रोड टंडवा, गढ़वा, झारखंड। ANM, GNM, DP फार्मा, योग्यता 12वीं पास। कोर्स हेतु संपर्क करें GNRC RII MS INC PCI, न्यू दिल्ली से। मान्यता प्राप्त संस्था राधा पार्वती एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, मेन रोड टंडवा। संपर्क नंबर है 8409211842 9304440499। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार मांझियाव से अनूप सिंह की रिपोर्ट। मांझियाव प्रखंड क्षेत्र के बीडंडा गांव निवासी स्वर्गीय बनारसी भुइयां की 69 वर्षीय पत्नी कुंती कुंवर ने पिछले कई वर्षों से विधवा पेंशन के लिए कई मर्तबा प्रखंड सह अंचल कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते थककर हार गई हैं। उक्त वृद्ध महिला कुंती कुंवर ने प्रखंड कार्यालय के बरामदे में बैठी हुई थी। इसी दौरान अंचलाधिकारी राकेश सहाय की नज़र वृद्ध महिला पर पड़ी। उन्होंने महिला के सारी दर्द भरी कहानी सुनने के बाद इसे गंभीरता से लिया और विधवा पेंशन लागू करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब कार्यालय आने की जरूरत नहीं, क्योंकि विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन अब अंचल कार्यालय के संज्ञान में ला रहे हैं। अभिलंब जरूरतमंद लोगों को विधवा वृद्धा पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। इधर वृद्ध महिला कुंती कुंवर ने बताया कि मैं पहली बार अंचल कार्यालय के साहब से भेंट हुई है। कहा कि मैं साहब के आश्वासन पर पूरी तरह गदगद हो गई हूँ। ज्ञात हो कि महिला को पिछले कई वर्षों से आज तक विधवा पेंशन राशि की प्राप्ति नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में वृद्ध महिला इसी तरह अपना पेट पालने पर मजबूर है। वह बिल्कुल भूमिहीन महिला है। कहाँ से आए हैं? बीडंडा से। क्या क्या दिक्कत हो रहा है? कोई है ये नहीं तो क्या करूँ, वृद्धा पेंशन मिलबे नहीं करे। बच्चे उच्चे हैं? हम दू गो तो दू और या के लन बुढ़ो गो डेढ़ अथी। तुरा राशन कार्ड है कि नहीं? का राशन कार्ड मिला लग तीन गो के। कितना मिला हो? 15 ने मिला। तीन गो है ये भी तक। ठीक ठीक, हम पेंशन हम करवा रहे हैं। कितना साल हो गया होगा? पोस्ट ऑफिस 15 साल किया देने के, माने 5 साल 7 साल 2 साल ये हो जाता। का नाम था उनका? नाम बनारसी भूमि। मांझियाव नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 गहेड़ी में 11 प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र के रेड जोन जिला से 17 मार्च 2020 को आए हुए थे। वहीं दिन बुधवार को प्रवासी मजदूरों ने मांझियाव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराई। जांच के उपरांत प्रशासन की आंख में धूल झोंक कर घर पर रहने लगे। बताते चले कि प्रखंड के आला अधिकारियों की लापरवाही से प्रखंड में आए हुए करीब प्रवासी मजदूर अपने आप को फैमिली के साथ खुल मिल गए। इसकी सूचना अंचलाधिकारी राकेश सहाय को मिलते ही नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 के वार्ड पार्षद बीना देवी को त्वरित कॉल किया और महाराष्ट्र के रेड जोन थाने जिला से आए हुए प्रवासी मजदूरों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बुलाया। इसके बाद उन सभी मजदूरों को रीजांच कराया। जांच के बाद दंडाधिकारी राकेश सहाय के निर्देशानुसार +2 मुखदेव उच्च विद्यालय में सभी 11 प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन किया गया। कब आए हुए हैं? 17 तारीख। आप कहाँ? महाराष्ट्र। कौन सा जिला? कौन सा जिला? थाने 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 से थाने जिला। कब आए थे? 17 तारीख को। धन्यवाद।